हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट साइंस क्लास सेवेंथ चैप्टर फोर टेम्परेचर एंड हीट, तापमान और गर्मी। हैव यू एवर टच्ड ए मेटल पोल ऑन ए सनी आफ्टरनून? हैव यू ईटन समथिंग जस्ट आफ्टर इट वाज कुक्ड इन एन ओवन? हैव यू एवर स्टूड बिसाइड ए बॉनफेयर? क्या आपने कभी दोपहर की धूप में धातु के खंभे को छुआ है? ओवन में पकने के बाद क्या आपने कुछ खाया है? क्या आप कभी अलाव के पास खड़े होकर देखा है? इन ऑल द अबव situations you must have had the some experience of a certain degree of hotness which produces a sensation in our skin that makes you remove your upper body part immediately away from the source of heat. Heat of the sun often causes exhaustion and you tend of sweat which in the worst case can cause dehydration and weakness. Thereafter you take shelter and tend to drink cold water and switch on the fan or the air conditioner. This helps is maintaining the temperature of our body. Food product सभी स्थितियों में आपको कुछ हद तक गर्माहट का एक अनुभव होना चाहिए जो आपकी त्वचा को एक सनसनी पैदा करता है, जिससे आए आपने शरीर के हिस्से को गर्मी के स्रोत से तुरंत दूर कर देते हैं। सूरज की गर्मी अक्सर थकावट के कारण बनती है और आपको पसीना आता है, जो सबसे खराब स्थिति में निर्जलीकरण और कमजोरी का बन सकता है। इसके बाद आप आश्रय लेते हैं और ठंडा पानी पीते हैं और पंखे या एयर कंडीशनर पर स्विच करते हैं, और यह आपके शरीर के तापमान को बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। टेम्परेचर, तापमान। वी ऑफ्टन से डेट द आइस क्यूब्स केप्ट इन द फ्रीजर आर वेरी कोल्ड। द वाटर डेट कम्स थ्रॉट द टैप इन विंटर इज क्वाइट कोल्ड। The tea in a cup is very hot. The terms cool, hot warms and very hot are used to describe one of the physical properties of matter. These terms are related because we do not know how hot the tea is or how cold the tap water is. Therefore, we need to measure the degree of coldness or hotness of a matter. The temperature is a measure of the degree of hotness or coldness of a body. तापमान। हम अक्सर कहते हैं कि फ्रीजर में रखे हुए बर्फ के टुकड़े बहुत ठंडे होते हैं। सर्दियों में नल से जो पानी आता है वह काफ़ी ठंडा होता है। कप में चाय बहुत गर्म है। पदार्थ के भौतिक गुणों में से एक का वर्णन करने के लिए शांत, गर्म, गर्म और बहुत गर्म शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह शब्द संबंधित है क्योंकि हम नहीं जानते कि चाय कितनी गर्म है, नल का पानी कितना ठंडा है, इसलिए हमें किसी पदार्थ की ठंडक या गर्माहट को मापने की आवश्यकता होती है। तापमान शरीर की गर्माहट या ठंडक की डिग्री का एक माप होता है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। वी मेजर्स टेम्परेचर विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मोमीटर। ऑल थर्मोमीटर्स मेजर्स temperature by making use of some property of a substance that varies with temperature. One such property is the change in volume of substance with temperature. तापमान का मापन। हम थर्मामीटर नामक एक उपकरण के साथ तापमान को मापते हैं। सभी थर्मामीटर मापते हैं एक पदार्थ की कुछ संपत्ति का उपयोग करके तापमान, जो तापमान के साथ बदलता रहता है। इसी तरह की एक संपत्ति तापमान के साथ पदार्थ विस्तार और संकुचन की मात्रा में परिवर्तन होता है। टेम्परेचर स्केल्स।
just as we use different units to measure length inches, centimeters, etc., we use different units to measure temperature. These different units are represented by different temperature scales. Here is a simplified description of how a temperature scale is defined. Two references temperature are chosen, and the difference between these two temperature is further broken down into a certain number of division. Each division is called 1 degree. The most commonly used reference temperatures are the melting point of ice and the boiling point of the water. The two commonly used scales are the Celsius scales and the Fahrenheit scale. There is a third scale, the Kelvin scales, which you will learn about in higher classes. Just के रूप में, तापमान के रूप में हम लंबाई इंच, सेंटीमीटर आदि को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं. हम तापमान को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं. इन विभिन्न इकाइयों में इसको अलग अलग तापमान पैमानों द्वारा दर्शाया जाता है. यह एक सरलीकृत विवरण दिया गया है कि तापमान पैमाने को कैसे परिभाषित किया जाता है. दो संदर्भ तापमानों को चुना जाता है और इन दो तापमानों के बीच का अंतर एक निश्चित संख्या में टूट जाता है. डिवीजनों प्रत्येक विभाजन को एक डिग्री कहा जाता है. सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले संदर्भ तापमान बर्फ का पिघलने बिंदु और क्वांथनांक का होता है. आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दो पैमाने होते हैं, सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने, और एक तीसरा पैमाना है केल्विन स्केल, जिसके बारे में आप उच्च कैलेंसिक में जानेंगे. कैलेंसिक स्केल सेल्सियस स्केल. दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय सी. इट इज रीड एज डिग्री सेल्सियस इन ऑनर ऑफ एंडर्स सेल्सियस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड. ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, द टेकन ऑफ 0 सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 100 सेंटीग्रेड. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 100 डिग्रीज. सेल्सियस पैमाने पर इस पैमाने को सी द्वारा इंगित किया जाता है. इससे डिग्री सेल्सियस एंड सेल्सियस के संबंध में या डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में पढ़ा जाता है. इसे पैमाने पर बर्फ का गलनांक सी और पानी का क्वांथनांक 100 सेंटीग्रेड के रूप में लिया जाता है. इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर 100 डिग्री में बांटा गया है. फ़ारेनहाइट स्केल. दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय एफ. रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑन दिस स्केल 32 फ़ारेनहाइट इज टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 212 फ़ारेनहाइट एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 180 डिग्रीज. अब फ़ारेनहाइट स्केल. इस पैमाने को हम एफ द्वारा दर्शाया गया है. डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद. इसे पैमाने पर 32 फ़ारेनहाइट को बर्फ के गलनांक के रूप में और 212 फ़ारेनहाइट को उबलते हुए संकेत के रूप में लिया जाता है. पानी को इन दो बिंदुओं के बीच का अंतर को 180 डिग्री में विभाजित किया जाता है. टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स. द सब्सटेंस दैट इज जनरली यूज्ड इन ए कन्वेंशनल थर्मामीटर इज इथर, मर्करी और एल्कोहल. बेस्ड ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, मर्कुरी थर्मामीटर्स एंड एल्कोहल थर्मामीटर. थर्मामीटर के प्रकार. पदार्थ जो आमतौर पर एक पारंपरिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, यह तो पारा है या एल्कोहल.
इसके आधार पर दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, पारा थर्मामीटर और एल्कोहल थर्मामीटर। मर्कुरी थर्मोमीटर इन 1714 गैब्रियल फ्रेनाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट मर्कुरी थर्मोमीटर। 1714 में गैब्रियल फ्रेनाइट ने पहले पारा थर्मोमीटर का आविष्कार किया था। मर्कुरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। निम्न कारणों से थर्मामीटर की में मर्करी का उपयोग किया जाता है। मर्करी रिमेंस इन द लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट मेल्ट्स एट 38.87 सेंटीग्रेड एंड बॉयल ओनली एट 356.58 सेंटीग्रेड। पारा तापमान की एक विशिष्ट श्रृंखला के लिए तरल अवस्था में रहता है। यह 38.87 सेंटीग्रेड पर पिघलता है और उबलता है केवल 356.58 सेंटीग्रेड पर। इट इज रिलेटिवली इजी टू सी बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वरी ग्रे कलर। यह सिल्वर ग्रे रंग के कारण देखने में काफ़ी आसान होता है। इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास। यह कांच से नहीं चिपकता। इट हैज ए फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इसमें विस्तार की एक समान दर होती है। एल्कोहल थर्मोमीटर थर्मोमीटर यूजिंग एल्कोहल हैव सम एडवांटेज ओवर मर्कुरी थर्मोमीटर सच हैज एल्कोहल इज ए चीपर एंड लेस हार्मफुल देन मर्कुरी। एल्कोहल थर्मोमीटर्स कैन मेसर्स मच लोअर टेम्परेचर अप टू 115 सेंटीग्रेड देन मर्कुरी। हाउएवर द मेन डिसएडवांटेज इज दैट एल्कोहल थर्मोमीटर्स कैन नॉट मेसर्स टेम्परेचर्स हायर देन 78 सेंटीग्रेड। ब्रेवर्स मर्कुरी थर्मोमीटर्स कैन मेसर्स मच हायर टेम्परेचर। अब एल्कोहल थर्मामीटर। शराब का उपयोग करने वाले थर्मामीटर का पारा और थर्मामीटर पर कुछ फायदे हुए हैं। जैसे एल्कोहल शराब पारा की तुलना में सस्ता और कम हानिकारक है। एल्कोहल थर्मामीटर पारे की तुलना में बहुत कम तापमान 115 सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। हालांकि मुख्य नुकसान यह है कि एल्कोहल थर्मामीटर तापमान को 78 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं मापा जा सकता, जबकि पारा थर्मामीटर बहुत अधिक तापमान को माप सकता है। यह एक पारंपरिक थर्मामीटर होता है। रीडिंग ए कॉन्वेंशनल थर्मामीटर द थर्मामीटर्स वी यूज इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स एंड द वंस यूज्ड टू चेक बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर्स। अब हम प्रयोगशाला में हम जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं उसे प्रयोगशाला में थर्मामीटर कहा जाता है। और शरीर के तापमान को जांचने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाते हैं। ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कंसिस्ट्स ऑफ ए थिन ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एट वन एंड हैज ए बल्ब एट द अदर एंड। द बल्ब इज जनरली filled with mercury of alcohol depending on whether it is mercury or an alcohol laboratory thermometer. अब एक प्रयोगशाला थर्मामीटर में एक पतली कांच की ट्यूब होती है जिसे एक छोर पर सील किया जाता है और दूसरे छोर पर एक बल्ब होता है। बल्ब आमतौर पर पारा या अल्कोहल से भरा होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पारा है या एल्कोहल। प्रयोगशाला में थर्मामीटर्स होते हैं। मर्कुरी अपीयर्स एज ए सिल्वरी ग्रे लाइन एंड एल्कोहल लुक लाइक ए रेड लाइन इन द थर्मामीटर। टू रीड द टेम्परेचर ऑन दिस थर्मामीटर यू जस्ट रीड द नंबर्स ऑन द स्केल एट द टिप
ऑफ द रेड और सिल्वरी ग्रे लाइन. रिमेंबर टू मेंटेन द यूनिट यूज सेल्सियस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स विच ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर्स इज फ्रॉम 10 सेंटीग्रेड टू 110 सेंटीग्रेड. पारा एक सिल्वर ग्रे लाइन के रूप में दिखाई देता है और सर अल्कोहल थर्मामीटर्स में लाल रेखाएं की तरह दिखता है. पढ़ने के लिए इसे थर्मामीटर पर तापमान आप बस लाल या चांदी ग्रे लाइन की नोक पर पैमाने पर संख्या पढ़ते हैं. इस्तेमाल की गई इकाई सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का उल्लेख करना याद रखें. प्रयोगशाला थर्मामीटर को मापने वाले तापमान की सीमा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है. एक क्लिनिकल थर्मोमीटर इज जनरली ए मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स. डिजिटल थर्मोमीटर्स आर बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर. एक नैदानिक थर्मोमीटर आमतौर पर एक पारा थर्मोमीटर है. हालांकि डिजिटल थर्मोमीटर बन रहे हैं, ये काफ़ी लोकप्रिय हैं. देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर. देयर इज ए लिटिल एरो शोविंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. शरीर का समान तापमान दिखाते हुए थोड़ा तीर होता है. देयर इज ए कॉन्स्ट्रिक्शन और किंक इन द ट्यूब नियर द बल्ब. द किंक हैज बीन मेड टू इंश्योर दैट द मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर डज नॉट कॉन्टैक्ट एंड फ्लो बैक इन टू द बल्ब बिफोर द टेम्परेचर हैज बीन रीड. बल्ब के पास टैप्स का एक कसना या फिक्र होता है. यह किक यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि यह एक थर्मामीटर पर पारा सिकुड़ता नहीं है और तापमान होने से पहले बल्ब में वापस प्रभावित होता है. टू रीड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी पर्सन विथ ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉलो द स्टेप गिवन बिलो. जैसा आपने पढ़ चुका है, किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान को क्लिनिकल थर्मामीटर से रखकर नीचे दिए गए चरणों का हम देखते हैं, पालन करते हैं. हेयर आर सम प्रिस्क्रिप्शंस डैट वन मस्ट फॉलो विल हैंडलिंग ए मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मोमीटर. यहाँ कुछ सावधानी बताई गई है जो पारा क्लिनिकल थर्मोमीटर को संभालते समय पालन करना चाहिए. वॉश द थर्मोमीटर वेल एंड डिप इन इन ए एंटीसेप्टिक लिक्विड बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट. थर्मोमीटर्स को अच्छी तरह से धोएं और इसे इस्तेमाल करने से पहले और बाद में एंटीसेप्टिक तरल में डुबाएं. बी केयरफुल विल यूजिंग ए थर्मोमीटर, इट कैन ब्रेक इजली. रिमेंबर मर्क्यूरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस. ये केयरफुल क्लोरोफिल विल एक थर्मोमीटर को एकजुट करता है और एनली याद आप याद कर सकते हैं कि पारा एक विषक्त पदार्थ है. फैक्ट स्ट्रिप देज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर्स टेम्परेचर. देज थर्मोमीटर्स डू नॉट यूज मर्क्यूरी. द टेम्परेचर इज डिस्प्लेड एज ए नंबर. इन दिनों डिजिटल थर्मोमीटर कुल तापमान का मतलब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये थर्मोमीटर पारा का उपयोग नहीं करते हैं, तापमान में ये डिस्प्लेट तैनात होते हैं. द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी इज क्लोज रिलेटेड टू ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड हीट और हीट एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी. यह तापमान एक भौतिक मात्रा में संबंधित होता है जिसे ऊष्मा और ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं. थैंक यू.